अब जो फेज़ वन काउंसलिंग है WBG का, फेज़ वन होता है, फेज़ टू होता है। फेज़ वन आपका WBG रैंक के बेसिस पर आपका गवर्नमेंट एंड प्राइवेट में होता है। जो फेज़ टू है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट में होता है, ऑन द बेसिस ऑफ JEE मेंस रैंक 10% सीट रिजर्व रहता है। तो फेज़ वन का जो टाइम टेबल है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 6 या 7 तक आ जाएगा, ठीक है, 7 जून तक आ जाएगा, 6 या 7 जून तक आ जाएगा, ठीक है। एंड जो काउंसलिंग स्टार्ट होगा वही मान के चलिए 12 जून से आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो सकता है फेज़ वन का। अब फेज़ वन में राउंड वन होगा, राउंड टू का मॉपअप होगा। तो इसको खत्म होते होते अब मान के चलिए 2nd वीक ऑफ जुलाई तक हो जाएगा। एंड देन 3rd वीक ऑफ जुलाई या 4th वीक ऑफ जुलाई से आपका फेज़ टू काउंसलिंग स्टार्ट होगा। एंड वहाँ पर भी सेम प्रोसेस, राउंड वन, राउंड टू एंड मॉपअप। तो आपने अगर JEE मेंस का एग्ज़ाम दिया है, बाई चांस आपको WBG के थ्रू अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है, प्राइवेट है, तो आप JEE मेंस रैंक के थ्रू भी अब अच्छा प्राइवेट प्राप्त कर सकते हो। वैसे हम लोग काउंसलिंग सपोर्ट है जहाँ पर फेज़ वन एंड फेज़ टू दोनों ही सपोर्ट कर रहे होंगे। आपका जो भी रैंक है WBG में या JEE मेंस में, उस रैंक हिसाब से जो आपका बेस्ट होगा फेज़ वन एंड फेज़ टू में, कंप्लीट स्टार्टिंग टू एंड तक सपोर्ट कर रहे होंगे। जो रजिस्ट्रेशन फीस है काउंसलिंग सपोर्ट का 0 है, तो आप 0 प्राइस में रजिस्टर कर सकते हो एंड स्टार्टिंग टू एंड तक कंप्लीट सपोर्ट मिल रहा होगा, ताकि आप सही गाइडेंस प्राप्त कर सको। सो यही अपडेट है, आपका इस तारीख के अराउंड आपका टाइम टेबल अनाउंस हो जाएगा, आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा फेज़ वन का। बाकी कुछ भी अपडेट आता है रिगार्डिंग WBG ऑफिशियल, मैं तुरंत ही आपको शेयर कर दूंगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हो एंड चाहो तो WhatsApp ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर कंप्लीट अपडेट आपको शेयर कर देंगे टाइम टू टाइम।